कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले, देश के सबसे बड़े राज्य के पूर्व अध्यक्ष रहने वाले, अपनी बातों से जनता पर गहरी छाप छोड़ने वाले राज बब्बर को कोर्ट ने पूरे 2 साल की सजा सुनाई। राज बब्बर को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे 2 साल अंदर सलाखों के पीछे रहने के लिए कहा है। 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा दी है। राज बब्बर पर साल 1996 में एक मतदान कर्मी से मारपीट का आरोप है। हालांकि क्योंकि ये सजा 3 साल से कम है तो वो जेल नहीं भेजे जाएंगे, उनको जमानत भी दे दी गई है। लेकिन राज बब्बर ने सजा को भी चुनौती की तरह लिया है और एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चेतावनी देने का मन बना लिया है। राज बब्बर ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। अब जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 2 मई साल 1996 को मतदान अधिकारी ने वजीरगंज थाने में FIR दर्ज कराई। इसी मामले को लेकर लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। इस मामले की रिपोर्ट 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्री कृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी रहे राज बब्बर और अरविंद यादव के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया, मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वादी मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में घुस गए थे और फर्जी मतदान करने का झूठा आरोप लगाने लगे थे। केस की विवेचना के बाद राज बब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसी मामले को लेकर लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। आपको बता दें, राज बब्बर ने 80 के दशक के आखिर में फिल्मी दुनिया के साथ साथ सियासत का सफर शुरू किया था। साल 1989 में उन्होंने वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल का दामन थामा था। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे और 3 बार लोकसभा सांसद रहे। 2006 में मुलायम सिंह यादव के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए, सपा से उनकी विदाई हुई तो साल 2008 में कांग्रेस में शामिल हुए और फिर साल 2009 में फिरोजाबाद से उन्होंने अखिलेश यादव को सबसे बड़ा का दिया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को भी उन्होंने शिकस्त दी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राज बब्बर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब ये एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा राज बब्बर को सजा दिए जाने का मामला। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। आप क्यों बुला रहे हो मुझे? नहीं, मैं इसलिए मुबारक हो यार, तेरी लड़की मुबारक।